चलिए जी, तो आपका चैप्टर है जिसका रिवीजन मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, नाम है इसका रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22 से लेकर 30 तक है ये चैप्टर, और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉपी आपके पास है, देखिए अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 22 है, यहाँ पे मैंने सीखा था कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। तो जनरली सेक्शन 22 में मेरे को एक थ्रेशोल्ड मिलता है, और उस थ्रेशोल्ड के बेसिस पे मैं ये जज करता हूँ कि मैंने वो पार करा के नहीं करा। अगर कर लिया तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल बन जाऊँगा। तो थ्रेशोल्ड बड़ा सिंपल है, आपके सामने है सेक्शन 22 का रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड, देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं किसी गुड्स या सर्विस का सप्लायर हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है उस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में जहाँ से कि मैं वो सप्लाई कर रहा हूँ, और तभी लेना है जब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होता है। मेरे स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, इसको बहुत इजी तरीके से अपन ने याद कर लिया था। सेक्शन 22 में जो थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा हुआ है 20 लाख लिखा हुआ है / 10 लाख लिखा हुआ है। सेक्शन में दो लिमिट है, 22, 20 और 10। वैसे पूरे इंडिया में 20 लाख का थ्रेशोल्ड है, पर चार राज्यों में 10 लाख का थ्रेशोल्ड है, जिसका नाम है M2NP। M2NP का फुल फॉर्म होता था मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुर। तो ये मेरा थ्रेशोल्ड है। अगर मेरे यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को ये थ्रेशोल्ड निकालने के लिए मेरा एग्रीगेट टर्नओवर निकालना होता है, और एग्रीगेट टर्नओवर वैसे ही निकलता है जो कंपोजिशन में निकलता था सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग। मतलब कि मेरे को अपनी सारी टैक्सेबल सप्लाई जोड़नी है, सारी एग्जम्प्ट सप्लाई जोड़नी है, सारी इंटर स्टेट जोड़नी है, एक्सपोर्ट जोड़ना है, और एक्सक्लूड करना है उसमें से जीएसटी एलिमेंट और इनवर्ड सप्लाई जिस पे आरसीएम लगता है। पता होगा सबको। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं गुड सप्लाई करता हूँ खुद का भी और प्रिंसिपल के बिहाफ में उसका भी, तो वो वाला टर्नओवर भी मेरे में जोड़ा जाए। अरे भैया, और ऑब्वियसली ये टर्नओवर मैं पूरे इंडिया का निकालता हूँ, एक पैन नंबर पे जितने भी मेरे रजिस्ट्रेशन है सबका टोटल करके, सबको आता होगा ये तो निकालना। आइए, फिर सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू करा जिसका नंबर है 10/2019। यहाँ पे मुझे सीखने को मिला कि एक और टर्नओवर है जिसको कि मैं यूज कर सकता हूँ, दैट इज 40 लाख, थ्रेशोल्ड है 40 लाख। अगर मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा थ्रेशोल्ड 40 लाख हो जाएगा, बशर्ते ये एक्सेप्शन मेरे ऊपर ना लगे। नंबर वन, अगर मैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला हूँ सेक्शन 24 में, तो मुझे ये 40 लाख के थ्रेशोल्ड से कोई मतलब वैसे भी नहीं है। नंबर दो, अगर मैं इन गुड्स की सप्लाई करता हूँ जो आपको मेनली याद होंगे, क्या क्या नाम है बोल दीजिए, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबेको, जो भी है, तो इन पे थ्रेशोल्ड 40 लाख का नहीं लगेगा, ऐसा गुड्स का सप्लायर हूँ अगर मैं। अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स की इन राज्यों से, अब ये राज्य कौन से होते थे भाई, ये राज्य थे M3 AND TP, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपके सामने है, जो भी है। इससे याद आया, इन्हीं राज्यों से M3 AND बना था कंपोजिशन स्कीम वाला। चलिए, और एक और जिन पे ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा वो है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति। आगे एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलता है ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये डिस्कशन आपके साथ। ये सेक्शन 22 था जो थ्रेशोल्ड के हिसाब से मुझे रजिस्ट्रेशन की बात समझा देता था। फिर आता था सेक्शन नंबर 24 जो मुझे ये बोलता था कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कुछ केसेस में कंपलसरी है, और अगर मैं 24 में कवर हो गया तो 80 निकालने का कोई जरूरत है ही नहीं। समझ आ गया क्या? क्या बोला वापस से बोलिए मेरे को, क्या बोला मैंने? अगर 24 लग रहा है मेरे ऊपर तो मेरे को 22 के थ्रेशोल्ड से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मेरे लिए क्या हो चुका है, कंपलसरी। इसका भी शॉर्टकट बना लिया था अपन ने, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का शॉर्टकट है rent@ICIEON। मैं एक एक करके सब चीजें समझा देता हूँ। आर का मतलब था रिवर्स चार्ज। अगर मैं रिवर्स चार्ज के तहत कोई टैक्स लाइबिलिटी पे करना है मेरे को तो कंपलसरी चाहिए। क्या था ई का मतलब था ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के दो तीन कॉन्सेप्ट थे, मैं एक बार बता देता हूँ। इस ई में मैं वो वाला डाल देता हूँ, ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर। ब्रेकअप लिख रखा है क्या? हाँ चलिए, लिख ही रखा है इसने। ई का मतलब हो गया था ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बना लिया था अपन ने इधर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स बेचते हैं, उन लोगों की बात चल रही है। एन फॉर
नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, टी फॉर, जो ईसीओ को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है सेक्शन 52 में, ये भी ईसीओ है पर ये टीसी, ये ईसीओ है 52 वाले ईसीओ और ये है ईसीपी, फर्क है दोनों में आपको पता होना चाहिए। फिर आता था ए, ए का मतलब होता था एजेंट, कौन से एजेंट, जो कि टैक्सेबल सप्लाई करते हैं टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में, बोलो वापस से क्या बोला मैंने, तो वाले एजेंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में थे। फिर एक और टी का मतलब होता था टीडीएस, जिनको काटना 51 के तहत। फिर आई का मतलब होता था इंटर स्टेट गुड्स के सप्लायर, यहाँ पे गुड्स की बात इसलिए करी थी मैंने क्योंकि आप सर्विस सप्लायर हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, थ्रेशोल्ड देख के कराना है। यहाँ पे नोट करने वाली बात थी कि अगर मैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं तो भी कंपलसरी नहीं है। आगे सी का मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था। फिर आई का मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर था, जिसका केवल नाम ही याद करना है आपको। फिर एक और ही आता था जिसका मतलब था 95 वाले ईसीओ, 95 वाले ईसीओ याद होंगे जो गोवा, ईबीबो और जोमाटो वगैरह आते थे। उसके बाद ईओन में ओ आता था, ओ आई डी ए आर सर्विस देने वाले व्यापारी, और लास्ट होते थे नोटिफाइड पर्सन। इन लोगों को जरूरी है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है, और डिस्कशन था इसके अंदर, वो लिखा पढ़ी आपके पास है। आगे बढ़ते थे तो शायद आता था सेक्शन नंबर 23। ये सेक्शन 23 मुझे सिखाता था कब मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मुद्दे मुद्दे की बातें करते हैं। पहला पॉइंट, अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई करता हूं, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। एक्सक्लूसिवली चाहिए, वापस से बोलता हूं, अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करता हूं और साथ में टैक्सेबल भी करता हूं, कंबाइन है दोनों करता हूं, तो फिर मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। आगे अगला पॉइंट, अगर मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, कौन होता है भाई एग्रीकल्चरिस्ट, बोल दीजिए जल्दी से, इंडिविजुअल या एचयूएफ जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड का काम कर रहे हैं, यानी कि केवल इंडिविजुअल एचयूएफ ही एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं जीएसटी। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, कल्टीवेशन ऑफ लैंड का काम करता हूं और कल्टीवेशन ऑफ लैंड का ही प्रोड्यूस सप्लाई करता हूं, केवल इसका प्रोड्यूस सप्लाई करता हूं, केवल जो उगाया है वही बेचता हूं, केवल प्योर किसान जिसको बोलूंगा मैं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे टर्नओवर कितना भी हो। मैंने वापस से बोला था कि मैं खेती करता हूं, गेहूं की खेती करता हूं, गेहूं भी उगा के बेचता हूं और साथ में किराने की दुकान भी चलाता हूं, तो ये बेनिफिट अगेन मुझे नहीं मिलेगा, फिर मुझको अपना थ्रेशोल्ड देखना पड़ेगा और थ्रेशोल्ड देख के जरूरत पड़े तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला आता था, एक नोटिफिकेशन आता था जो बहुत काम का है, एक और आता था नोटिफिकेशन नंबर 5/2017, जहां पे मैंने ये सीखा था कि अगर मैं केवल रिवर्स चार्ज वाली आउटवर्ड सप्लाई करता हूं, यहां पे गड़बड़ हो सकती है, सुन लीजिए, अगर मैं रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई खरीद रहा हूं, समझना ध्यान से सब, खरीद रहा हूं मतलब जीएसटी मुझे देना, खरीदूंगा तो मैं दूंगा ना, कौन देता है रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई का जीएसटी, सेलर के बायर, बायर रिसीपिएंट देता है, तो अगर मैं रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई खरीद रहा हूं तब तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बन जाएगा, मेरे को जीएसटी देना है। पर अगर मैं रिवर्स चार्ज वाली ही सप्लाई बेचता हूं, केवल रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई बेचता हूं, तो मुझे कभी जीएसटी देने नहीं पड़ेगा, सामने वाला ग्राहक देगा मेरा, तो यस नो, तो ऐसे केस में ये नोटिफिकेशन 5/17 लग जाएगा और मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है कंपलसरी, यानी कि लेना ही नहीं रजिस्ट्रेशन। फिर आता था आपके सामने अगला टॉपिक, यानी कि 22-23-24 में रिलायबल टू रजिस्ट्रेशन जज कर लेता था, इसके वापस से बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन मुझसे पूछे कि बताइए रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं, तो मैं जज कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले देखूंगा 24 का केस है क्या, अगर है तो करवाना ही है, फिर मैं देखूंगा 23 में आया क्या, 23 में आ गया तो नहीं करवाना, 24-23 चेक करने के बाद मैं जाऊंगा और 22 देखूंगा, क्योंकि फिर मेरे को थ्रेशोल्ड देख के रजिस्ट्रेशन कराना है वरना नहीं कराना है। तो सीक्वेंस ध्यान रखना, बोलो सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, 24-23-22 अप्लाई ऐसे करें आप सेक्शंस को। फिर आगे बढ़ते थे, बकवास चीजें चालू होती थी थोड़ी थोड़ी, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कैसे करना है, तो मेन मेन चीजें सुन लीजिए, कब तक अप्लाई करना है, टाइम लिमिट बच्चा बच्चा जानता है, जनरली मुझे अप्लाई करना है
लाइबल होने के 30 डेज के अंदर अंदर, पर अगर मैं सीटीपी और एनआरटीपी हूं, बोल दीजिए, बिजनेस चालू करने के कम 5 दिन पहले तक मुझे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है राज्य में। सिंपल चीज थी। अगली, हर राज्य में मुझे अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना ही है। बोलिए, एक राज्य में अगर मेरे मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो एक रजिस्ट्रेशन काफी है। बस उस समय मेरे को यह ध्यान रखना है कि जब मैं एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करूं तो उसमें सभी दुकानों का नाम देना है। एक को मैं कह दूंगा पीपीओबी और बाकी दुकानों को कह दूंगा एपीओबी। सब पता है पीपीओबी एपीओबी क्या है, पर मैं चाहूं तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी एक राज्य में ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैंने नोट करवा देता हूं कि अगर मेरी एक राज्य में एक दुकान एसईजेड में है और एक दुकान नॉन एसईजेड में है तो अलग अलग ही लेना है रजिस्ट्रेशन। सुन लिया? ठीक है, ये सब बातें हो गई थी। इसके बाद 25-3 बड़ा इजी था। मैं लाइबल नहीं हूं फिर भी लेना चाहता हूं रजिस्ट्रेशन, क्या मैं ले सकता हूं? यस, मैं ले सकता हूं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की कानून अवेलेबल है 25-3। अगला 25-4, 25-5 डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग बताता था, जिसका डिस्कशन अपन काफी समय पहले सप्लाई के अंदर ही कर चुके थे। फिर आता था 25-6-7, जो कहता था कि बिना पेन के मैं रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। पर मैंने आगे जाकर एक नियम बताया था, क्योंकि अब तो मैं सारे कानून जानता हूं, कि अगर मैं एनआरटीपी हूं तो बिना पेन के भी रजिस्ट्रेशन लेता हूं। एनआरटीपी लोगों को वो पासपोर्ट पावर ऑफ अटर्नी वाला चाहिए, अगर आपको याद आ जाए तो। आगे फिर आता था बड़ा इंपॉर्टेंट चीज 25-9 और 10, यूनिक आइडेंटिटी नंबर कुछ लोगों को जरूरत है जीएसटी के अंदर। तो किन लोगों को जरूरत है भाई यूआईएन की, नाम बोल दीजिए। स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएनओ को जरूरत है, बोलिए ना। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत है, कंसुलेट और फॉरेन एम्बेसीज को जरूरत है। अब इन सभी को यूआईएन नंबर की जरूरत इसलिए नहीं है कि उन्हें कुछ सप्लाई करना है, उन्हें रजिस्ट्रेशन इसलिए चाहिए, यूआईएन इसलिए चाहिए, क्योंकि उनको जीएसटी का रिफंड क्लेम करना है। और मैं आगे भी बहुत बार बोल चुका हूं कि अगर मेरे पास यूआईएन नंबर है तो दैट डज नॉट मीन कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन। यूआईएन वाले रजिस्टर्ड नहीं होते, टैक्सेबल पर्सन नहीं होते। उनके पास नंबर भले ही है पर वो रजिस्टर्ड और टैक्सेबल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ध्यान रख लेना। याद है वो B2B मानेंगे कि B2C, टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में अभी 2 दिन पहले डिस्कशन करा था। तो B2C मानना है तो QR कोड का जरूरत पड़ेगा, ई इनवॉइस का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये अपन ने डिस्कशन में बात उठाई। आगे ये कानून बड़ा सीधा है, अगर मैं लाइबल हूं पर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर खुद रजिस्ट्रेशन कर देता है, उसे कहा जाता है सू मोटो रजिस्ट्रेशन। बोलिए क्या आ जाता है? तो जब भी वो छापा हुआ मारेगा तो सू मोटो रजिस्ट्रेशन कर देगा। और उस समय जो रजिस्ट्रेशन वो करके जाता है वो एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद मुझे उसको परमानेंट करवाना होता है। ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, आ सकता है। क्या था सीन भाई करवाने का? मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उसकी बात से सहमत हूं और कोई झगड़ा नहीं चाहता हूं तो मैं उसके कितने दिन बताइए, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के 90 दिन में अप्लाई कर दूंगा मेन रजिस्ट्रेशन के लिए। पर अगर मैं चाहता हूं कि नहीं उसने गलत करा है, मैं अपील करूंगा, तो मैं अपील कर दूंगा पहले। फिर अपील के बाद अगर मैं हार जाता हूं तो क्यों बोला मैंने हार जाता हूं तो? क्योंकि अगर मैं जीत गया तब तो उसकी बात ही खत्म होगी, उसका रजिस्ट्रेशन की बात ही खत्म हो जाती, बोलिए ना। पर अगर मैं हार जाता हूं तो मेरे ख्याल से ऑर्डर के हारने के ऑर्डर के आने के कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर मेरे को मेन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ये MCQ में बन सकता है। आगे फिर ये सिंपल आता था, प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन का। तो वहां पे मैंने कहा था ये नियम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हर बंदे के रजिस्ट्रेशन का नियम है, एक्सेप्ट NRTP 51 वाला 52 वाला OIDAR वाला, 4 के अलावा सबका नियम है। सिंपल है, सबको याद होगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। सबसे पहले मेरे को रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, REG01 फॉर्म भरना है, उसका पार्ट ए भरना है, जिसमें कि मुझे अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना स्टेट और पेन नंबर का डिटेल देना है। पेन को वो वेरीफाई कर लेंगे मेरे CBDT डेटाबेस से, मोबाइल और ईमेल OTP से वेरीफाई हो जाएगा और मेरा पार्ट ए जमा हो जाएगा। उसके बाद मेरे को TRN जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? और TRN के बेसिस में मैं अपना GST REG01 का पार्ट भी भर दूंगा। पार्ट भी भरने के बाद यार बोलो ना, मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा और एक्नॉलेजमेंट का मतलब है मेरी एप्लीकेशन जमा होगी। क्लियर यहां तक सबको? फिर मेरी एप्लीकेशन पहुंच जाती है बेटा किसके पास? प्रॉपर ऑफिसर के पास। वहां पे जाने के बाद मेरे साथ दो बातें होती थी, या तो मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, दो कैटेगरी से मैं सोचता था। मैंने यहाँ पे बैड किन किन को माना था पहले याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पे बोला था ये लोग बैड हैं रजिस्ट्रेशन पर्पज से।
पहला, अगर मैंने डबल ए के लिए, डबल ए फेल हो गया मेरा, डबल ए क्या है बोल लीजिए। नंबर दो, मैंने डबल ए ऑप्टेन नहीं करा था। नंबर तीन, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद ही होना चाहिए, साइट वेरिफिकेशन। कौन सा वेरिफिकेशन, क्या होता है साइट वेरिफिकेशन, दुकान आके देखेंगे अभी पहले। उसके बाद पोर्टल ने रिस्क असेसमेंट करके मेरे को आइडेंटिफाई करा कि मेरा रजिस्ट्रेशन साइट वेरिफिकेशन के बाद होता है। एक बात पक्की है, याद कर लेना, अगर मैं बुरे की कैटेगरी में आ जाता हूँ बेटा, तो फिर मेरा रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। बोल दीजिए क्या हो जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। पर अगर मैं इस कैटेगरी में नहीं आता तो मैं अच्छा हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के हो सकता है। इसमें सिंपल सी बात थी, टाइम लिमिट सुन लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, सबको याद ही होंगे। टाइम लिमिट क्या थी भाई, अगर मैं अच्छा हूं और मेरी डॉक्यूमेंट भी सारे कंप्लीट पाए जाते हैं तो मेरे अप्लाई करने के 7 वर्किंग डे में रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। कितने वर्किंग डे में बताइए। नंबर दो, अगर बाय चांस मैं अच्छा तो हूं पर मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो मुझे शो कॉज नोटिस आ जाएगा 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर। उसके अगले 7 दिनों में मैं रिप्लाई दे दूंगा, बोलिए, और फिर अगले 7 दिनों में रिप्लाई के वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, जो भी उनकी इच्छा है वो करते रहेंगे। पर अगर मैं बैड हूं और डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं तो फिर मेरा रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट होता था 30 डेज, पर वेरिफिकेशन के बाद होना चाहिए। यहाँ पे 30 डेज एप्लीकेशन के दिन से, यानी कि 30 दिनों में एप्लीकेशन फाइल करने के 30 दिन में वेरिफिकेशन करके वो मेरे को रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, ग्रांट। अगर 30 दिनों में कोई डॉक्यूमेंट की गड़बड़ पाई जाती है तो वो मेरे को नोटिस इशू कर देंगे, अगले 7 दिन में मैं रिप्लाई कर दूंगा, फिर अगले 7 दिनों में वो या तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, जो भी उनका सीन है। आगे आइए, डीम्ड अप्रूवल का ध्यान रखेंगे भाई, 3 केस थे यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल के। अगर मैं अच्छा आदमी हूं और नोटिस नहीं आता है, ऐसे याद कराया था मैंने, तो फिर 7 वर्किंग डे में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मान लेंगे कि मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। अगला केस, अगर मैं बुरा आदमी हूं और नोटिस नहीं आता तो 30 दिनों के अंदर अगर कुछ नहीं होता तो मान लेंगे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। पर अगर मैं अच्छा हूं और बुरा हूं पर मेरे को क्या मिला है, नोटिस मिला है, तो मेरे जवाब देने के अगले 7 दिनों में अगर कुछ नहीं होता है तो मान लेंगे कि मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। ये आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। आगे, ऐसे कुछ लोग थे जिनको डबल ए कराने की जरूरत नहीं है, बिना डबल ए कराए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके नाम आपके सामने। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, नंबर 2, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज, स्टैचुरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पर्सन जो कि यूआईएन के लिए अप्लाई करते हैं, उन लोगों को डबल ए करवाए बिना भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये भी बड़ा काम का रूल था, रूल 10 है, याद है सबको, जल्दी से बोल देते हैं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने बैंक डिटेल नहीं देता तो मैं बाद में दे सकता हूं, पर बाद में एक टाइम है, क्या टाइम लिमिट है भाई, ग्रांट के 45 दिन या फिर रिटर्न फाइल करने की डेट, विच एवर इज अर्ली, पर ये इन पे लागू होने की जरूरत नहीं है। आगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर बेटा REG 06 होता है, और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे ग्रांट होने के, रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के कितने दिन में इशू हो जाता है, 3 दिन में, और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेरा GST नंबर आ जाएगा, और GST नंबर 15 डिजिट का होता है, जिसका ब्रेकअप बच्चा बच्चा जानता है। आगे, ये इंपॉर्टेंट आ गया वापस से, याद है सबको वैसे तो, रूल 10 बताता था कि अगर मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है तो इफेक्टिव कब से होगा, बोल दीजिए, आप बोलिए सब जानिए। पहला केस, अगर मैं लाइबल होने के 30 दिन में अप्लाई कर देता हूं तो इफेक्टिव डेट लाइबल का दिन है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो इफेक्टिव डेट ग्रांट का दिन है, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आगे, CTP NRTP के बारे में कानून आते थे कुछ। CTP कौन होता था भाई, सिंपल बता देता हूँ, ऐसा व्यापारी जो कि ओकेशनली किसी दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करे तो उसे CTP कहते हैं, और NRTP ऐसा व्यापारी जो आउट ऑफ इंडिया से ओकेशनली इंडिया में आके व्यापार करे तो उसे NRTP कहते हैं। लीगल भाषा आपके सामने लिखी हुई है। आगे, ये पता ही था कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले करवाना है बिजनेस चालू करने के कम से कम। अगला, NRTP का भी मैंने आइडिया दे दिया था, NRTP को जब रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसको ये डॉक्यूमेंट जमा कराना है जिसका नाम है सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट की कॉपी, और साथ में एप्लीकेशन को वेरीफाई करवाना है इंडिया के किसी रेसिडेंट से जिसके पास पैन नंबर हो। आगे बढ़ते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोल दीजिए, अब ये सब जने पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। अगर मैंने एज ए CTP और NRTP रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो रजिस्ट्रेशन कितने दिन तक वैलिड है, तो जवाब है 90 डेज, जनरली 90 डेज है, बोलिए जल्दी से,
या फिर मैंने जितने दिन के लिए अप्लाई करा है, मान लीजिए मैंने 15 दिन के लिए अप्लाई करा तो 15 दिन इफेक्टिव है, दैट्स इट। पर अगर मैं चाहूं तो इस 90 दिन के पीरियड को और एक्सटेंड करा सकता हूं, कितने दिनों तक, 90 डेज तक। उसके लिए मेरे को क्या नाम है, एक्सटेंशन की नई एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। और एक और चीज आपको बताई है कि जब भी मैं CTP NRTP के रूप में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मुझे अपने टैक्स का एस्टिमेट करके एडवांस में जमा कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही जमा कराना पड़ेगा, वो टैक्स बाद में नहीं देना है। एक चीज मैं पूछ लेता हूं, अगर मैं CTP NRTP नहीं हूं तो बताइए मेरा रजिस्ट्रेशन कितने समय तक वैलिड है? CTP NRTP नहीं हो तो कितने टाइम तक के लिए वैलिड है? परमानेंट है, अनलेस मेरा रजिस्ट्रेशन क्या नहीं हो जाता, कैंसिल। ये जवाब आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन सिंपल ही है, मैं ज्यादा इसमें भी नहीं बताऊंगा। 28 है, अमेंडमेंट और रजिस्ट्रेशन। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसमें कोई जानकारी दी है तो अगर दी गई जानकारी में कोई चेंज करवाना चाहता हूं तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट में दो चीज होती थी बेटा, कोर जानकारियां और नॉन कोर जानकारियां। नॉन कोर इंफॉर्मेशन को अमेंड कराने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बताइए क्या करना है? केवल पोर्टल में जाना है, जानकारी चेंज करनी है और वो अपने आप पोर्टल ही क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज कराना है, ठीक है, तो मैं नया मोबाइल नंबर डाल दूंगा, नए मोबाइल पे OTP आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। पर कुछ जानकारियां ऐसी है जो कि कोर है, बोलिए बेटा क्या है, उसको मैं चेंज करवाने के लिए पहले अप्लाई करूंगा क्योंकि PO का परमिशन लगता है उसके लिए। तो कोर जानकारियां जैसे कि बता दो एक दो मेरे को फटाफट से, दुकान का नाम बदल दिया मैंने, नंबर दो एड्रेस बदल दिया मैंने अपनी दुकान का, नंबर तीन मेरे नया पार्टनर आ गया, पुराना पार्टनर चला गया, कंपनी का डायरेक्टर बदल गया, ऐसी कोई जानकारी। पर मैंने आपको कहा था कि अगर जानकारी ऐसी है जिससे मेरा पेन नंबर ही चेंज हो जाए तो मैं अमेंडमेंट के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, मेरे को पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है और नया अप्लाई करना है। ये सब छोटी छोटी बातें क्वेश्चन बनेंगे, फिर एग्जाम में धुंधियों की तरह बेटर हो, ठीक है। ये पेन नंबर वाला पॉइंट ध्यान रखना। आगे इसकी प्रोसीजर मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रोसीजर आप पढ़ते रहना। 15 दिन में अप्लाई करना है, अगले 15 दिन में जवाब आ जाएगा, वो जो भी है वो आपको पता है। आ जाइए भैया, मेन चीज आती थी, अब फाइनल लास्ट क्या है बताइए, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या थे भैया दो पॉइंट थे पीछे से, अब ध्यान दे दो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कैंसिलेशन में दो पॉइंट थे भाई मेरे, या तो मैं खुद ही कैंसिल करा लूंगा या वो कर देंगे, क्या बोलते थे उसको अंग्रेजी में, वॉलेंट्री और सुमोटो। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के रीजन क्या क्या थे? दुकान बंद कर दी, दुकान डेथ हो गई किसी आदमी की, नया आदमी चलाने लग गया, अमालगमेशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीजें वो थी जिसके कारण मैं खुद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी है भैया, ये सुमोटो, मतलब कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो खुद मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन इनिशिएट कर रहा है। क्या करा मैंने ऐसा, तो मैंने कुछ ना कुछ कांड करा है। किस टाइप के कांड करने से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, एग्जाम में फेवरेट टॉपिक है, बहुत पूछते हैं ये, बार बार पूछते हैं, हो सकता है आपसे भी पूछे हैं, तो इसलिए अच्छी तरह से याद कर लेना है सारे रीजन। बोल दीजिए फटाफट से, सबसे पहले मैंने कुछ कानूनों को उल्लंघन करा है, सब बोलेंगे एक साथ। अब एक तो दुकान उस जगह से नहीं चला रहा जो मैंने एड्रेस दिया है, नंबर दो बिना सप्लाई के बिल फाड़ रहा हूं, ये सबको याद कराया था मैंने ऐसे ही, नंबर तीन 171 कोर्स में नहीं है, बस ध्यान रखना 171 का वॉल्यूशन करा, रूल 10A का वॉल्यूशन करा, रूल 16 का वॉल्यूशन करे के मैंने क्रेडिट लिया है, नंबर तीन 86B रूल का वॉल्यूशन करा, ये कोर्स में है, बाद में पढ़ेंगे भी अपन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, मिसमैच वाला केस है, याद है सबको, मैंने जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल अपने GSTR 1 में दी वो मिसमैच हो रही है, जबकि मेरे 3B जो डिटेल है वो अलग ही है, ठीक है, ज्यादा है, मतलब ध्यान रखना एक्सेस होनी चाहिए, ये 1 की डिटेल उससे ज्यादा होनी चाहिए। आगे मंथली रिटर्न, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, रिटर्न फाइलर। अगर मैं रेगुलर वाला हूं और मंथली रिटर्न फाइल करता हूं तो लगातार 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं करे। नंबर दो, अगर मैं रेगुलर वाला हूं और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हूं, लगातार 2 टैक्स पीरियड से रिटर्न फाइल नहीं करे। और एक और हाथों हाथ पढ़ लेते हैं, अगर मैं कंपोजिशन वाला हूं और ड्यू डेट के 3 महीने तक अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं करा तो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक बहुत बड़ा कारण है। प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं, यही सबसे बड़ा कारण है किसका, कैंसिलेशन का, क्योंकि लोग गड़बड़ कर देते हैं, सोते रहते हैं, रिटर्न भरते नहीं है, फिर कैंसिलेशन हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। अगले फर्जी थे, फ्रॉड करके मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई लिया था तो वो कैंसिल कर सकते हैं। और फाइनल चीज बता दीजिए, अगर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने तक दुकान चालू नहीं करी तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। रट लेना समय में आता है, समझ तो गए होगे, तो जीवन में उतार लेना इसको अच्छी तरह। अगला बकवास ही था, सस्पेंशन के क्वेश्चन बनते भी नहीं थे वैसे, खैर पढ़ लेते हैं। जब मेरा कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चलता है उस दौरान मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो कितने समय के लिए सस्पेंशन होता है, तो दो टाइम थे मैंने कहता है। अगर मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ कैंसिलेशन के लिए, तो सस्पेंशन स्टार्ट होता है जिस दिन से मैंने एप्लीकेशन जमा करी कैंसिलेशन की, या फिर जिस दिन से मैंने कैंसिलेशन डिमांड करा, विच एवर इज लेटर। ध्यान से सुनना फर्क है ना, मैंने आज अप्लाई करा पर कैंसिलेशन 10 दिन बाद से बोल रहा हूँ करो, तो फिर सस्पेंशन 10 दिन बाद से लागू, ठीक है। और कब तक चलता रहेगा ये सस्पेंशन, जवाब आता था जब तक की कैंसिलेशन प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती। स्टार्ट कब से होगा, एंड कब होगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन करता है तो फिर उस दिन से सस्पेंशन लागू होगा जिस दिन से वो डेट डिटरमाइन करेगा, और खत्म तो तभी होगा जब वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी। इसमें नई चीज आती थी, अमेंडमेंट आता था लंबा चौड़ा सा, जिसमें बोला था कि अगर मेरे 39 के रिटर्न को कंपेयर करा पीओ ने, 39 का रिटर्न मतलब कौन सा रिटर्न है, 1K 3B, दो रिटर्न होते हैं ना, GSTR 1 GSTR 3B, कौन सा रिटर्न 39 का रिटर्न होता है, 3B, 37 का होता है 1, बोलो ना, 3B क्या होता है मेरा, O-I वाला फाइनल रिटर्न है, और 1 क्या होता है, केवल आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न। तो ध्यान से सुनना, मेरे 39 के रिटर्न को पीओ ने कंपेयर करा, किससे कंपेयर करा, मेरी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल से, जो उसने कहां से पता लगाई, मेरे GSTR 1 से, और मेरी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जो उसने कहां से पता लगाई, मेरे सप्लायर के GSTR 1 से, बोलो कहां से पता लगाई, मेरे सप्लायर के GSTR 1 से। और ये पता लगाने के बाद और एनालिसिस या कोई भी काउंसिल के कहने पे कुछ सिग्निफिकेंट क्या पता लगे उसको, डिफरेंस पता लगे, और उसको लगा कि कैंसिलेशन होना चाहिए, तो वो रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ सस्पेंड कर देगा, और सस्पेंशन का नोटिस जब आएगा ईमेल में, तो वही मेरा कैंसिलेशन का भी नोटिस है, जिसका जवाब मेरे को फिर देना होता है कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये सब कहानी इसके अंदर थी। जिस दौरान मेरा सस्पेंशन चल रहा होगा उस दौरान मैं कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करूंगा, और मेरे को रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं है। क्या मतलब था टैक्सेबल सप्लाई नहीं करूंगा, दुकान में शटर लगा दूं, ताला लगा के बैठ जाऊं, नहीं। क्या मतलब था उस समय, मैं अपने ग्राहकों से कोई GST चार्ज नहीं करूंगा उस दौरान, ये मैंने आपको इंटरप्रिटेशन दिया था। आगे अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान से सुन लेना, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं भरे, तो जैसे ही मेरे पास उनका नोटिस आता है कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आपने रिटर्न नहीं भरे, तो याद है आगे भी मैंने कहा था कि मेरे को जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, मैं अगर अपने रिटर्न्स भर दूं पेंडिंग सारे के सारे और टैक्स वैक्स दे दूं, तो उसी दिन कैंसिलेशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी और मेरा सारा काम सब सही हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रोसीजर भी आप ही पढ़ते रहेंगे, प्रोसीजर के ऊपर मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूं। एक और चीज इसमें थी कि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पुराने पाप धुल गए। याद है पुराने पाप धुल गए क्या बोला था मैंने, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके बाद मेरा उस समय का कोई टैक्स लायबिलिटी उन्होंने निकाल लिया जब मैं क्या हुआ करता था, रजिस्टर्ड, तो देना पड़ेगा। मैं ये रोना नहीं रो सकता कि अब तो ले नहीं सकता, मैं तो रजिस्टर्ड हो गया, ये रोना आप नहीं रो सकते, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। और फाइनल चीज आती थी सेक्शन 30, क्या था सेक्शन 30, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। प्लीज अब अच्छी तरह से बोलेंगे सब, मेरा रजिस्ट्रेशन पीओ ने कैंसिल कर दिया, मैं अगर उस कैंसिलेशन पे रोक लगवाना चाहता हूं तो मैं लगवा सकता हूं रिवोकेशन के लिए अप्लाई करके। ये एप्लीकेशन मैं कब तक जमा करा सकता हूं, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बोलिए कितने समय में रिवोकेशन एप्लीकेशन देनी है, कैंसिलेशन ऑर्डर के सर्व होने के 30 दिन, पर अगर एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन ले लें तो बढ़ सकता है ये टाइम पीरियड और कितना, 30। कमिश्नर की ले लें तो और कितना बढ़ सकता है, 30। तो ओवरऑल मेरे को टाइम 30+30+30 मिल सकता है, बोलिए, ठीक है। उसके बाद सीधा है, अगर मैंने एप्लीकेशन जमा कराई रिवोकेशन की, तो वो देखता है कि जो ग्राउंड मैंने बोले हैं वो वैलिड है कि नहीं है। अगर उसको लगता है कि अच्छे वैलिड ग्राउंड दिए मैंने, तो वो रिवोकेशन कर देता है। कितने दिनों में रिवोकेशन कर देता है भाई, 30 डेज के अंदर, ठीक है। पर अगर वो लगता है कि मेरे ग्राउंड वैलिड नहीं है, तो वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन को डायरेक्टली नहीं ठुकराएगा, वो मेरे को पहले नोटिस भिजवाएगा, शोकॉज नोटिस, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा,
रिप्लाई के बाद जो उसको करना है वो ठुकरा ठुकरी का बाद में करेगा। वापस से बोलता हूँ, मैंने अप्लाई करा, उसको लगता है सब कुछ चके यार, इसने बहुत पुख्ता बातें बोली है, तो वो खुश होकर हाथों हाथ रिवोक कर देगा, बात ही खत्म हो। अगर उसको लगता है कि मेरे ग्राउंड में दम नहीं है, रिवोकेशन एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेगा, पहले नोटिस भिजवाएगा, फिर मेरे से जवाब लेगा, उसके बाद जो करना है वो उसको करेगा। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता था, मैं जब तक रिवोकेशन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता जब तक मेरे पुराने रिटर्न पेंडिंग है। अगर मेरे रिटर्न नहीं भरने के कारण मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और मैं रिवोक करवाना चाहता हूं, तो पहला काम रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं देना है, मेरा पहला काम है पुराने सारे रिटर्न भरना है, तभी जाकर वो रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल होगी, वरना रिवोकेशन एप्लीकेशन ही फाइल नहीं होगी। यहां पे फिर खेल आता था, पुराना एक लॉ आता था कि लॉ कहता है कि जब से मेरा कैंसिलेशन इफेक्टिव होगा, जब से मेरा कैंसिलेशन इफेक्टिव होगा, उस दिन के बाद के रिटर्न पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता। यार बेटा बोलो ना यार, तो मैं कैसे फाइल करूं? मैंने आपको दो रास्ते बताए थे, फिर एक बार वो टेबल देख लीजिए, शायद नीचे बनी हुई है। क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था मानिए कि जिस दिन ऑर्डर आया उसी दिन से कैंसिलेशन इफेक्टिव, जिस दिन ऑर्डर आया उसी दिन से कैंसिलेशन इफेक्टिव हुआ, तो मेरे जो भी पुराने रिटर्न है बेटा, ये पोर्टल एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये सारे रिटर्न जो भी पुराने वाले हैं ये मैं भर दूंगा रिवोकेशन अप्लाई करने के पहले, रिवोकेशन अप्लाई करने के पहले। और फिर कैंसिलेशन रिवोक अप्लाई करने के बाद अगर मान लीजिए रिवोकेशन का ऑर्डर आ जाता है और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता, तो ये वाले टाइम के जो रिटर्न पेंडिंग हो जाएंगे मेरे, कब से कब तक के, इफेक्टिव डेट से लेकर रिवोकेशन ऑर्डर आने के बीच में, वो सारे रिटर्न मेरे को भरने हैं रिवोकेशन ऑर्डर आने के कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर। पर यहां पे एक प्रॉब्लम आती थी कि मेरे रिटर्न जब से पेंडिंग चल रहे हैं तभी से इफेक्टिव डेट है। वैसे बोलू क्या बोला मैंने, मेरे रिटर्न जिस दिन से पेंडिंग चल रहा है उसी दिन से कैंसिलेशन इफेक्टिव कर दिया उन्होंने, तो पोर्टल तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा पुराने रिटर्न, अब मैं क्या करूं? तो वो सारे रिटर्न जितने भी है कब से कब तक के, पेंडिंग रिटर्न से लेकर ऑर्डर आने के बीच में, रिवोकेशन के ऑर्डर आने के बीच में, वो सारे रिटर्न में एक साथ भर दूंगा रिवोकेशन के ऑर्डर के 30 डेज के अंदर। तो ये मेरा वो तरीका था कि कैसे मैं अपने पेंडिंग रिटर्न फाइल करूं। तो ये हो गया आपका चैप्टर का रिविजन, क्या नाम है चैप्टर, रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं है, 15-20-25 मिनट का चैप्टर है, आप पढ़ोगे तो और लग टाइम है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना।